रूम और हरकत ऐसी कि हैवान भी शर्मा जाए। पैसा, पावर और पोजीशन का मिसयूज कैसे करते हैं वो आप इनसे सीख सकते हैं। ये आदमी पक्षपात नहीं करता है। इसके नजर में 5 साल की बच्ची और एक बूढ़ी अम्मा सब एक समान है। इस आदमी ने सबका बलात्कार किया है, सबके वीडियोस बनाए हैं और सभी को ब्लैकमेल भी किया है और पकड़े जाने के डर से फरार चल रहा है। इसके सेक्स कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज। तो ये पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आता अगर एक 47 साल की महिला इस पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं करती। वो महिला कोई और नहीं बल्कि सांसद प्रज्वल रवेना के घर में काम करने वाली मेड है। उस महिला ने प्रज्वल बिना ही नहीं बल्कि उनके पिता पर भी यौन उत्पीड़न के संगीन इल्जाम लगाए हैं। महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस कर्मी को बताया है कि जॉइनिंग के 4 महीने बाद रवेना उससे कमरे में बुलाने लगे और घर में कुल 6 महिला कर्मचारी थी और सभी बहुत घबराती थी। उनका कहना था कि जब प्रज्वल रवेना घर आते हैं तो उन सभी को डर लगता है। घर के पुरुष स्टाफ ने महिला स्टाफ को उनसे संभल कर रहने की भी चेतावनी दी। देवगौड़ा परिवार की नौकरानी ने आगे बताया कि जब HD रवेना की पत्नी घर से बाहर जाती थी तो वो घर की महिला कर्मचारियों को स्टोर रूम में बुलाकर उन्हें फल दिया करते थे, फिर उन्हें छूते थे। वो उनकी साड़ी की पिन भी हटा दिया करते थे और वह उनका यौन उत्पीड़न किया करते थे। शिकायतकर्ता महिला ने यह भी दावा किया है कि प्रज्वल रवेना ने उसकी बेटी के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसके बाद रवेना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। यही नहीं, शिकायतकर्ता के मुताबिक वो रवेना की पत्नी भवानी के रिश्तेदार हैं। उसने आरोप लगाया है कि उनके घर काम शुरू करने के 4 महीने बाद ही HD रवेना ने उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उनका बेटा प्रज्वल रवेना उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके उसके साथ अश्लील बातचीत करता था। रवेना परिवार में कुक का काम कर चुकी पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब भी HD रवेना की पत्नी घर से बाहर जाती थी तो वो महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण करता था। तो ये जो आदमी है ये देखने में कितना सीधा मासूम लग रहा है, लेकिन अगर आपको बताऊं मैं कि इसने 2000 से भी ज्यादा सेक्स टेप रिकॉर्ड कर रखी है। 5 साल की छोटी बच्ची से लेकर बड़ी से बड़ी अम्मा की उम्र की महिला साथ में इसने यौन उत्पीड़न किया है, उनका रेप किया है, उसके वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, फिर उन महिलाओं को ब्लैकमेल भी किया है, इस लड़के ने किया है, तो जरूर आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल, उन्होंने फ्लाइट ली और भाग गए, गिरफ्त से बाहर चले गए। अब इस मामले के खुलासे के बाद से राजनीतिक गलियारों में कुछ ज्यादा ही हलचल मची हुई है। सर पर चुनाव है और BJP खेमे में भी बहुत ही ज्यादा हलचल मच रही है। इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज। मैं थी आपके साथ गुंजन शर्मा।